हे स्टूडेंट्स, सो आज हम अपना जो थर्ड चैप्टर है आर फूड, इसका लास्ट पार्ट एंड बच्चों देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने फूड की इम्पोर्टेंस पढ़ी, है ना, कि हमको फूड क्यों चाहिए होता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है टू वर्क एंड प्ले। हमें ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है, वो हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर हमने बच्चों फूड के सोर्सेज भी पढ़े। कौन कौन से सोर्सेज हमने पढ़े? हमने देखा कि जो भी हम फूड खाते हैं वो हमें दो सोर्सेज से मिल रहा होता है। कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं बच्चों? वो एक था प्लांट्स, जिनमें से हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, चपाती, पल्सेस, ब्रेड, ये सब देखा था, है ना। एंड जो सेकेंड सोर्स थी दैट वॉज फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमने देखा था क्या मिल रहा था हमें? फिश, मीट, चीज, एग्स, मिल्क, घी। सो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिल रही थी। हमने सोर्सेज देख लिए, हमने देख लिया कि हमें फूड क्यों खाना चाहिए, हमें वो क्या क्या देता है ना, हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाता है, सब हमने देख लिया। फिर हमने डे वाइज भी देखा था कि हम विद इन अ डे कितने टाइप्स के मील्स खा लेते हैं। तब हमने देखा था कि हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच में, आफ्टरनून में हम लंच करते हैं, शाम रात में वी हैव आर डिनर। अगर बच्चों आपको शाम को अगर आप पूछो तो एक कुछ स्नैक्स टाइप का हम शाम को भी खाते हैं ना, उसे सपर कहते हैं। आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। सो दिस ऑल वी हैड डिस्कस्ड अभी तक, ठीक है। अब वी आर मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का, ऑन पेज नंबर 14, दैट इज गुड ईटिंग हैबिट्स। इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहले तो आपको अगर खाने के बारे में सब पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, आपको उसकी सोर्सेज भी पता हो गई कि ये सोर्सेज होती हैं, ये प्लांट से हमें ये खाना मिलता है एंड एनिमल से हमें ये खाना मिलता है, बट आपकी नॉलेज तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपको ईटिंग हैबिट्स के बारे में ना पता हो, गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में। ओके, सो बिगनिंग विद आर ईटिंग हैबिट्स, वी हैव फर्स्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमें हर मील के बाद, खाना खाने के बाद अपने हैंड्स वॉश करने हैं। एंड इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि आपके नेल्स भी शॉर्ट हो, क्योंकि आपकी नेल्स में डर्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड, है ना, वही आप खा लोगे, तो आपको अपने हैंड्स वॉश करने हैं बार बार। एंड ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड तो आपको वैसे भी, अगर आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपको यूजुअली अपने हैंड्स दिन में कई बार वॉश करने हैं। देन सेकेंड थिंग इज ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। आपको ये नहीं कि अगर आपकी फेवरेट डिश है या कुछ खाना है जो आपको बहुत पसंद है तो आप उसे बहुत फास्ट फास्ट खा रहे हो, या आपके पास टाइम कम है तो आप उसे जल्दी जल्दी से बस निबल कर ले रहे हो, आप उसे अच्छे से च्यू नहीं कर रहे हो। यू मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। नेक्स्ट थिंग बच्चों, ये हम लोग अपने स्कूल में बहुत करते हैं, हमें प्रिवेंट करनी चाहिए ये हैबिट। हम क्या करते हैं, हम खाना खाते वक्त अपने सीट पार्टनर से, अपने क्लासमेट से कोई ना कोई बात करते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप खाना खा रहे हो तो ना तो आप बात करो एंड ना आप लाफ करो डाइनिंग टेबल पे। रीजन क्या है बच्चों? कभी कभी जब अगर आप बात कर रहे होते हो तो जो जिस पाइप में, हमारी बॉडी के जिस पाइप में खाना जाना चाहिए वहां पे ना जाके वो किसी और पाइप में चला जाता है। उससे क्या हो जाती है, हमें सांस लेने में ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये प्रिवेंट करना है, हमें खाना खाते वक्त बात नहीं करनी है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। आप फ्रूट्स खा रहे हो, आप सब्जियां खा रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हो वो अनकवर्ड अगर आपने बाहर रखी है तो उस पे हाउस फ्लाइज होंगी या और भी इंसेक्ट्स से वो इन्फेक्टेड होंगी एंड वो आपके लिए आगे चल के किसी ना किसी डिसीज का कारण बनेंगी। सो मेक श्योर आप अनकवर्ड फूड नहीं खा रहे हो। नेक्स्ट वी हैव ऑलवेज ईट एट फिक्स्ड टाइम। आपको हमेशा एक फिक्स्ड टाइम में खाना है एंड फूड को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये लास्ट के दो पॉइंट्स जो हम मिस कर देते हैं, हम एक तो फिक्स टाइम पे खाना नहीं खाते, अपना एक
फूड का टाइम टेबल बनाओ कि हमें इस टाइम पे ही खाना खाना है, एंड अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी खाना वेस्ट ना करो. सो दीज वर योर गुड ईटिंग हैबिट्स.